नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट फाइव में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संडों को गुरमीत राम रहीम सिंह के सकल से। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। धन धन सतगुरु। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता गुलाटी है। कब से आ रहे हो डेरे? मैं 95 से डेरे में आ रही हूँ। मैम यहाँ का माहौल कैसा देखा? यहाँ पे अच्छा माहौल है, सद्भावना पूर्वक है, छोटे बड़े में कोई भेद नहीं माना जाता। किसी भी जाति का लोग हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सब एक साथ रहते हैं। लड़कियाँ सुरक्षित हैं? यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। हमारी भी छोटी छोटी लड़कियाँ थी, हम लेकर आते थे और कभी कभी डेरे में छोड़ भी जाते थे किसी और बहन के पास, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहे हैं, अपने घर जैसा माहौल मिलता है हमें। मैम संत जी ने समाज के लिए क्या किया? संत जी ने जो समाज के लिए किया वो तो कोई भी नहीं कर सकता। 134 भलाई के कार्य शुरू किए हुए हैं। यहाँ विधवाओं को भी आश्रय मिलता है, अपाहिजों को भी आश्रय मिलता है, निर्धनों को भी आश्रय मिलता है। हर किसी की हर तमन्ना पूरी की जाती है, सबके साथ सहयोग होता है, सबको सहायता देने की कोशिश की जाती है। मैम आप कह रहे हो संत जी ने इतने समाज भलाई के कार्य किए हैं, तो आज संत जी की समाज को जरूरत है क्या? संत जी की समाज को बहुत जरूरत है, क्योंकि जब से हमारे गुरु महाराज जी गए हुए हैं तब से ज़्यादा ही समाज बेकार होता जा रहा है। नशाखोरी भी ज़्यादा हो रही है, लड़कियों के साथ बिहेव भी बहुत गंदा हो रहा है। जब संत जी यहाँ थे तब इतना नहीं होता था, क्योंकि जो युवा वर्ग था उसको हर बात में शिक्षा मिलती रहती थी। मैम आज जो भी लड़कियों के साथ बहुत तरीके के टॉर्चर हैं, तो संत जी ने महिलाओं के लिए कुछ किया है? संत जी ने महिलाओं के लिए तो वेश्या लोगों को, लड़कियां थी उनको ला के डेरे से उन्हें समाज में अच्छा स्थान दिलाया, उनकी शादियां की हैं, उनको अच्छे घर दिलवाए हैं, और जो किन्नर समुदाय था उनको भी अच्छे घर दिलवाए हैं। और संतों ने बात बात में सभी को, युवा वर्ग को, अपने चरित्र को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी है। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से मैं मांगती हूँ जैसे भी हो, जो भी आरोप हमारे गुरु महाराज पे लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, निराधार हैं, उसका कोई आधार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई राजनीतिक चाल खेली जा रही हो, और हमारे संत जी के ऊपर से ये सारा आरोप हटाकर हमारे गुरु महाराज जी को हमारे बीच में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि संत जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बजाय उनके कार्य दिखाने के उनको ऊपर गलत आरोप लगाए थे। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।